पहले से बिहार चुप था ना, अब हम बुलाएंगे। नेता के चंगुल में आके चुप है, लोगों के गुंडे में चुप है, तो हम अब बोलने का कार्य करेंगे। आजकल धर्मेंद्र धाकड़ उनके साथ भी आ रहे हैं श्रीमान, का हाल चाल है? बड़ा कुछ नया करने का। हमारे यहाँ बिहारी बाबू हेमराज है, वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज इनके चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इनके वीडियोस को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों अभी मैं हूँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट यानी बिहार में है, और हमारे साथ है आज गौतम सिंह है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक टी शर्ट पहने हुए है खबरें बिहार बोल करके। अब इनसे पूछते हैं कि खबरें बिहार बोल है क्या चीज। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी बाबू हेमराज, बहुत धन्यवाद आपको कि हमें आमंत्रित किए, हमारे ऑफिस तक आए, है ना। और सबसे बड़ी बात कि आपके जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो है लोगो, खबरें बिहार, बिहार बोल यानी बिहार का खबर, और नीचे स्लोगन है अब बिहार बोलेगा। पहले से बिहार चुप था ना, अब हम बुलाएंगे। नेता के चंगुल में आके चुप है, लोगों के गुंडे में चुप है, तो हम अब बोलने का कार्य करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों एक बैक प्लान हुआ कि आप छत्तीसगढ़ को छोड़े और उसके बाद आप अपने स्थानीय गांव में आ गए और यहां पर एक खबरें बिहार करके एक ऑफिस खोले? देखिए क्या है कि जॉब तो कर ही रहे थे 10 वर्षों से, बहुत सारे वैसे न्यूज आता था, बहुत सारा ऐसा नोटिफिकेशन आता था, मेल मैसेज बहुत सारी चीजें जो रिक्वेस्ट रहता था लोगों को, भैया इस पे बोलिए ना कुछ, भैया इस पे बोलिए ना कुछ। तो हमको लगा कि हम अश्लीलता पे बोले कि पत्रकार वाला काम करें, तो हम सोचे क्यों नहीं दोनों दुख को सुना जाए लोगों का। अश्लीलता पे मुहिम है ही, अब इस दुख को भी सोचे, तो इस दुख के लिए नया प्लेटफॉर्म लेते हैं जी। और इसमें आगे चल के क्या करना चाहते हैं? आगे चल के करना क्या है, बस लोगों की भलाई, जैसे हम लोगों के सुनते हैं, लोगों का समझते हैं, वैसे इस चैनल के माध्यम से ही लोगों के लिए ही जीना है, लोगों के लिए ही मरना है। अच्छा, किस प्रकार का मदद करेंगे लोगों को? हर प्रकार के, जैसे आपका अगर कोई उनको सता रहा हो, किसी पीड़ा से ग्रसित हैं, कुछ आर्थिक सहायता चाहिए, लोगों के जरिए लोगों से लेके लोगों को देंगे, क्योंकि हमारे पास है कि हम तो खा लिया था हैं, खा लिया जाएंगे, है ना। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं, आपने बोला कि कुछ ऐसा है, इस साइड पर जाइए और यहाँ पर आप कुछ डोनेट करें, और कुछ लोग बोलते हैं कि डोनेट तो उनको क्या पैसे की कमी हो गई। अच्छा, मेरे बदले बोल रहे हैं? हाँ, देखिए कहीं ना कहीं आप पोस्ट किए थे। हाँ, कि यहाँ पर आप मदद कीजिए। हाँ, एक पोस्ट में किया था डोनेशन वाला पोस्ट। हाँ, तो मैं बता दूं आप लोगों को सबसे बड़ी बात, लड़ाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अश्लील गाने किसके लिए? समाज, अपने समाज, समाज के। हम उम्मीद किससे करेंगे? समाज से। बाबूजी के खेत बधार बेच के समाज के लिए ना लड़ेंगे? नहीं नहीं ना लड़ेंगे, तो फिर तो लोगों से मुंह। हाँ, हम भी देखना चाह रहे थे कि भैया जिंदाबाद, भैया कांग्रेचुलेशन, भैया एक नंबर, ये हमारा ना देखना है, भैया जो रे कितना आप हैं वो हमको देखना था। दोस्तों यहाँ देखा जाए कि गौतम जी यानी जिनको फेमस है वो मगहिया जवान के नाम पर, जो अब अपना जॉब भी छोड़ दिए, अब समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जिसमें आप लोग को बताएं कि किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। आज इनके ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और देखिए अभी भैया सुबह से इनके पास कई न्यूज रिपोर्टर आए, कई ब्लॉगर आए जो बहुत दूर दूर से आए, मैं आपको क्या बताऊं, दूर दूर से आए। अभी करीब 6 बज रहा है और 6 बजे हम इनका शाम को इंटरव्यू ले रहे हैं, जो सुबह से लेके अभी तक कुछ नहीं खाए थे, मगर अभी थोड़ा सा एक समोसा और एक मीठा जो है प्रसाद के रूप में खा रहे हैं, और ना जाने कितने देरी से ही समझिए कि बोल रहे हैं, जिसमें इनका हरेसमेंट भी कम हुआ। मगर अब जो है ये हमारा छोटा सा वीडियो था, लास्ट में आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? लोगों को बस ज्यादा ज्यादा यही बोलना चाहेंगे, सच के साथ खड़े रहिए, है ना। थोड़ा कठिन है खड़ा होना जी, थोड़ा तकलीफ भी है, लेकिन सच के साथ खड़ा रहिए, और झूठ तो झूठ ही है ना, और झूठ का विरोध भी कीजिए और सच का समर्थन कीजिए बस। अच्छा अच्छा, इनका जो ऑफिस है औरंगाबाद में कहाँ पर है, इसके बारे में आप बता दीजिए। औरंगाबाद में ऑफिस हमारा सटवट निवास है, आपका नियर बाई गुरुकुल स्कूल, सामने में सुमन हड्डी हॉस्पिटल है, सामने वाला आपका जो रमेश चौक रास्ता जाता है, सामने विशाल मेगा मार्ट के सामने अपोजिट गली है, यहीं पे हमारा ऑफिस है।
यानी देखा जाए तो भीटू जो मॉल है उसके सामने आप गली है और वहां पर गुरुकुल स्कूल के ही पास आपको पता चल जाएगा कि खबरें बिहार मगहिया जोन गौतम सिंह का कहां से ऑफिस है, तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट में और कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर को बोल सकते हैं। जितने भी हमारे भाई बिहारी बाबू हेमराज को देखते हैं, बहुत दमदार आदमी है जी महाराज, बने रहिए और कुछ नया लाने नया करने का प्रयास करते हैं। एक बात और, नया खबर सुने हैं आजकल धर्मेंद्र धाकड़, उनके साथ भी आ रहे हैं श्रीमान, क्या हालचाल है? बड़ा कुछ नया करने का प्रयास है? कुछ नया करने का नहीं रहता है, मगर सोचते हैं कि कुछ अलग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें धर्मेंद्र धाकड़ जी मुझे कहें कि आप टीचर का, वो एक अपना स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे और कराने के बाद उसने देखा कि जो टीचर का रोल लड़का कर रहा था वो लड़का सही ढंग से नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला कि आपको मैं समझा रहा हूँ, उस लड़के को मैं बताया, तो फिर हमें धर्मेंद्र जी बोले कि हेमराज जी आप इस चीज को आप ही कीजिए। जब हमने किया तो काफी लोगों ने पसंद किया और धर्मेंद्र धाकड़ जी ने पसंद किया, इतना था कि सबसे ज्यादा मेरा शॉर्ट वीडियो चला है। वाह, बधाई, इसी प्रकार काम करते रहिए। और लगभग 60 लाख प्लस व्यूज आया अभी तक। अरे वाह, प्राउड की बात है, ऐसे ही करते रहिए और धमाल मचाते रहिए, बहुत बेहतर लगा। चलिए दोस्तों, यही एक छोटा सा वीडियो, हम आगे मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।